कबीर खान, बेस्ट सेलिंग राइटर, कैसे संभाल लेते हैं आप इतना प्यार और इतनी नफरत एक साथ? आप खुद ही देख ले कौन सा पलड़ा भारी है। अब मैं अगर खुद कहूंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो सवाल ये है कि सिर्फ औरत ही क्यों? औरत क्यों नहीं, असल सवाल ये है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक है और फिर दिलचस्पी। लेकिन आपकी किताबों में सिर्फ बुरी, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस? यार बोला था उसको, कभी कुछ समझता ही नहीं है, पता नहीं। खैर हम कुछ प्लान करते हैं। हाँ हाँ, इसी वीकेंड प्लान करेंगे। नो, सैटरडे को नहीं, बहुत बिजी डे है मेरे लिए। हाँ संडे कुछ कर सकते हैं, ब्रंच पे चले। ओ यू आर बिजी, तो रात में डिनर पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। यार एक सेकंड, कौन है आप? टू टाइमर्स जी, यही लिखा था ना तुमने मेरे बारे में, और क्या था वो, फैसल को मैंने पैसों के लिए छोड़ा, ड्रग्स करने लग गया था यू इडियट, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा। आप अंदर, पराज, ओए स्टॉप, कहाँ भाग रहे हो? कामिल, कहाँ भाग गया तुमने? ये लड़की अंदर के हॉल में है। चुपचाप जाकर अंदर बैठ जा। आप बाप बहन देख में बहन होगी वो, कहीं नहीं जाएगा तू। जिस तरह अलविदा में मैंने अपने मियां की टांगे तोड़ी, वही दौर आना चाहता है क्या? लाइव डेमो दूं? अबे मारता था वो मुझे, हर बात बेवजह नहीं होती। देखे कोई गलत फहमी हुई है। जाइए ना, समझा करे, कभी तो प्यार की जबान समझा करे, या फिर हम अपने तरीके से समझाए, फिर कहेंगे कि पेज नंबर 67 से एकदम 90 पर क्यों आ गई। हाँ देखे आपको आवाज धमका। हाँ आप जानते हैं कितनी औरतें आपके खिलाफ बात करती हैं? बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट हैं आप, कौन है जो आपको नहीं पढ़ता? और फिर भी पढ़ते तो हैं, कोई तो वजह होगी ना। 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे ट्विटर पे, जिसमें से सिर्फ 1 मिलियन मर्द हजरात, बाकी 5 मिलियन आप जैसी खवातीन। एक पोस्ट पे 1 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा मुझे नहीं पता, मेरी टीम ने मुझे बताया, मेरे पास टाइम कहाँ होता है, मैं तो किताबें लिख रहा होता हूँ। फिर ये सब देखते हुए हम कैसे मान लें कि लोग, मेरा मतलब है खवातीन, मुझे नापसंद करती हैं, जबकि मेरी किताबें सबसे ज्यादा खवातीन ही पढ़ती हैं। मोरे सैया आएंगे आएंगे हाँ आएंगे, मोरे सैया आएंगे आएंगे हाँ आएंगे। ओ ख्वाब नहीं है बबलू, हकीकत है। और लिखो औरतों के बारे में पूरा। क्या कर क्या रही है ये देखो आईता, ये शर्ट अच्छी लग रही है ना, है ना? कपड़े देख के पसंद नहीं करती थी मैं लड़कों को, दिल देखती थी उनके दिल, समझे? फाड़ कर फेंक दो ये यादों का पेज नंबर 26। खुद फाड़ दो। अरे कहाँ चल रही है, ये तो ले जाओ अपनी फेवरेट शर्ट। दवाई तंग कर सकती है। I'm okay.
अगर नफरत करती हैं तो फिर पढ़ती क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मेरी कहानियों में अपना आप दिखाई देता है। अब देखिए शफा, शफा राइट? जी। जो चीज दिल को छूती है ना, उसे हम बार बार देखना चाहते हैं। Am I right? भाई कसम से कोई एक चीज जगह पे नहीं है यहाँ पर। इसे क्यों देख रहा है? अच्छा ये बता, ये मैं ले लूँ? तूने लिखा था ना लालची हूँ मैं तो। अच्छा ये ब्रांडेड है या कॉपी है? ये भी कॉपी लग रही है मुझे तो। तौलिया पकड़ाओ। मैंने कहा तौलिया पकड़ाओ चिपस्टर, अब शर्म आ रही है? वरना तो किताबों में बड़ा खुल के लिखते थे। कबीर, रिमेम्बर, वन पिल अ डे। वन पिल अ डे? अपनी टी पास। अद्वैत से? नहीं। ओप्स। सब गीला हो गया। वन पिल। हेलो वन पिल। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? अद्वैत से। जी कैसे मदद करूं आपकी? अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई, इंटरनेट बंद हो गया, सब बंद हो गया। क्या कर रही है आप? कौन हो तुम लोग भाई? आ गया ना आपसे तुम पे किरदार है तुम्हारे, तुम्हारे दिमाग की सफाई करने आए। कितना गंद है यहाँ, धूल ही धूल। यहाँ कैसे आ गई? अभी तो करीम से आई हूँ, आगे का पता नहीं, मुझे रहमत ने छोड़ा है। आई जस्ट वॉक्ड ओवर, रूटीन वर्कआउट यू नो। बैठो शराफत के साथ। शराफत कौन है? हाँ, ये मैंने लिखा था। हाँ पता है, बैठो अब। हाँ हाँ, इसके लिए लिखो घटिया लतीफे और हमें चुड़ैल बना के पेश करो। चुड़ैल तो मैं भी थी बरसात में, लेकिन इतनी कम लाइंस क्यों थी मुझे? लगता है तुमने मुझे हल्का लिया। बताओ जरा, मैं भी कोई फालतू थी? इसके लिए तो तुमने पूरी किताब लिख डाली। और जब हम बेचारियों की बारी आई तो हम लोग पलक झपकते ही गुजर गए। Kabir, the medication will help you. Trust me. सर दबा दूं आपका? हाँ, हेड पेड लगाएगा मुझे। अच्छा तो करंट लगाऊं क्या? भूल गए, इलेक्ट्रिशियन की बेटी थी आपकी किताब में। गरीब थी लेकिन गैरतमंद थी, ये लिखना भूल गए क्या आप जानू? हाथ मत लगाना, शौक भी नहीं है। जॉनी ब्रावो, हिलना मत यहाँ से। मेरे गुस्से का पता है ना? ये बात
मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। देखें, आप तो मेरी बात समझ लें। मुझे नहीं समझनी, इन्हें समझाएं पगला कहीं का। मैं ऐसे ही शीशे में उतारता है ना तो सबको मिस ने। यार ये आप बात कैसे कर रही है? ऐसा है दादा, हम तेरी इजाद है। वो क्या कहते हैं, क्रिएशन। तेरे सड़े हुए दिमाग से निकलकर तेरे घर में आ गए, अब नहीं जाएंगे। तेरी लिखी हुई जबान बोल रही हूँ, बुरी क्यों लग रही है? हम सारी तो है ही बुरी। तू किस बात का बुरा मना रहा है? बहुत हो गया। ये बता, चले आप लोग सब निकले मेरे घर से। तेरा घर भी तेरे दिमाग की तरह वीरान पड़ा है, हमने इसे बसा दिया तो खुश हो जा, थैंक यू ही बोल दे ना। यहाँ से हम जाएंगे ना तू। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, बेस्ट सेलर वाली हूँ, अवार्ड भी जितवाया है, भूल गया? अच्छा ये वो है, ये लो पानी पियो। छोड़ो इन सबको, मुझे ये बताओ क्यों लिखते हो बुरी औरत, क्या दुश्मनी है? जब अच्छी लिखता था तो कोई पढ़ता था? हाँ पढ़ी। ये तुम्हारे जहन का गंद है जो तुम्हें ये सब लिखने पे मजबूर करता है। तुम मेरी बात सुनो, अच्छी कहानियां ही लिखता था, प्यार मोहब्बत की, परियों की तरह लगता था तुम लोगों को। हेलो ईशा, मेरी कहानी को A+ मिला है, पढ़ोगी? Oh my God, not you! चलो यहाँ से। तू लिख न छोड़, दिल न तोड़, लिख न छोड़। तू लिख न छोड़, दिल न तोड़। कबीर एक टिप दूँ, ये सब गुडी गुडी स्टोरी जो है ना, ये लिखना छोड़ दे यार। Makes you look like stupid bro. I mean, छी यार छी। मसाला लिख मसाला। अबे हट पे लल्लू। तुमने मेरी स्टोरी सुपरवुमन पढ़ी है ना? हाँ पढ़ी। It's boring, just like you. Cut the life, loser. तू लिख न छोड़, दिल न तोड़, लिख न छोड़। हट तू यार। बस छोड़ दी मैंने लव स्टोरीज लिखना। लिख न छोड़, दिल न तोड़, लिख न छोड़, अबे छोड़ देना यार। तू लिख न छोड़, बस दिल न तोड़। बस यही थी मेरी जिंदगी की कहानी। 6-3 6-3 यहाँ पे मैं अपनी लाइफ की कहानी बता रहा हूँ, तुम लोग झूठो कितने हो? हाँ तमाशा में पेज नंबर 67 पर तुमने मुझे निकम्मी लिखा था ना? हाँ हूँ मैं निकम्मी। चलो अब मुझे लूडो खेले दे। तुम लोग चाहते हो लड़कियाँ सारा दिन काम करें और कमाए भी, लेकिन अपने लिए वक्त ना निकाले, है ना? कसम से। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, उसकी कोर्ट जा रही है। और मैं गुस्से में रहती थी और मेरा मियाँ जो गीला तौलिया बिस्तर पे छोड़ दिया करता था, उसका क्या? पता है बिस्तर पे खटमल पड़ जाते हैं। क्या खटमल? वही तो काटते थे रात भर इसे, तभी तो जागती थी। लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो फौरन लिख दिया, फजर को बात बात पे गुस्सा आता है। कितने मसले होते हैं औरतों के जानते हो। मैं बुरी थी, मैं अहमद को छोड़कर चली गई, और वो जो पूरी दुनिया में मुंह मारता फिरता था उसका कुछ नहीं। पेज नंबर 155 बदला। कभी प्यार से बात की तुमने? कभी वक्त दिया तुम लोगों ने? और जो घर के काम होते थे वो तुम्हारी फूफो आके करती थी, इंसान समझते हो हमको कि नहीं? बीवी की शक्ल में महबूबा और गर्लफ्रेंड चाहिए ना, तो नौकरानी भी रखवा दिया करो। बिल्कुल सही कहा। बेस्ट बेस्ट वर्ड्स टेम। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। यावर के अकलाने का मजाक उड़ाना था, ये सही था। अंदाज की शर्ट में पानी फेंका, ये ठीक था। और तुम वासे की शक्ल का मजाक उड़ाया, ये ठीक था। यावर मेरी बहन को मोटी मोटी कहता था, वो ठीक था? हाँ नहीं था ना ठीक, नहीं था ठीक।
क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, यही तो कह रहा हूँ। मर्द गलती करे तो भी गलत, औरत गलती करे तो वो भी गलत। वैसे बात तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आप सबको बुरा नहीं कह रहा, कसम से, कसम से। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप भी इंसान हैं, आपको भी गलती करने की इजाजत है। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, कसम से। सो जस्ट चिल। मैंने पहले ही कहा था, इन दोनों को लाना ही नहीं चाहिए था। मैं कबीर की दीवानी हूँ, फेसबुक पेज इन्हीं का तो है। बात सुन हीरो, जरा इत्मीनान से। अगर तुझे बुरी टक रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बुरे हैं। जैसे लड़के बुरे नहीं होते, हम भी बुरे नहीं। यही तो कह रहा हूँ, सारी औरतें बुरी नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसी ही टकराएं, ऐसी टकराएंगी तो ऐसा ही लिखूंगा ना। अगर कभी कोई प्यार देने वाली मिली होती ना, तो कसम से ये सब बातें कहता मैं। कभी तुझे कोई नहीं मिली, झूठे। वो मिली थी ना, क्या कहती थी मुझे वो, चंपू। हाँ चंपू, चंपू लगता हूँ मैं। देखो अब ऐसा भी नहीं है, तमन्ना में मैं भी संजीदा थी, मोहब्बत करने वाली थी। कहाँ से सबको गलत लिखता है ये। इस मुरीदनी को कटाओ यहाँ से, इसी की वजह से ये हमारे सर पर चढ़कर बैठ गया है। एक बात तुम्हें बताना। अरे ये क्या निकल रही है? सेल्फी नहीं दें प्लीज। तो आपकी अगली किताब का नाम डायन है? जी डायन, जल्द आने वाली है। और आपकी हर किताब की तरह ये भी एक औरत के बारे में होंगी, एक बुरी औरत। मैंने कब कहा कि हर औरत बुरी होती है? कभी बोला, कभी किसी इंटरव्यू में। हाँ वैसे आप कह सही रही हैं, है ये औरत के बारे में, और बेस्ट सेलर भी होगी। हाँ लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते, तुम तो खुद ही कुल्हाड़ी पे गिर। ये मेरी लाइन है। क्या फर्क पड़ता है, हम सब भी तो तुम्हारे अपने ही थे। कौन सा तुमने अचार डाल दिया? बेस्ट सेलर, वर्स्ट ह्यूमन। ओके गाइस प्लीज स्टॉप दिस। देखें मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, और हाँ मैं अपनी बात पे डटा रहूंगा। देखें मेरी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, दिस इज जस्ट फिक्शन, सिर्फ कहानियां ही है। आप लोग इसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? ये किसी को तकलीफ पहुंचाने का जरिया तो नहीं। फिर भी दे दी ना तकलीफ, फायदा। देखिए बीबी अपना, मेरा सर फट रहा है और मुझे बहुत सख्त नींद भी आ रही है, तो एक दफा आप सब मुझे बताई दे कि आप लोग यहाँ से जाने का क्या लेंगी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। क्या? नो, ये नहीं हो सकता। इतना तो लिख लिया है, अब अगर और जहर उगलना है तो रहने दे भाई। नहीं ये नहीं हो सकता, ये मेरे खून के अंदर है। I am a writer, कहो तो काट के दिखा दो। It's just a matter of speech, excite ना होना। हाँ ठीक है, ना छोड़ो, हम भी तुम्हारा घर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, और घर तो आप सबने देख ही लिया है। सब जला दो, सब जला दो, आई डोंट केयर, जो करना है करो। मुझे आ रही है नींद, मैं जा रहा हूं सोने के लिए। ओके और हाँ, किसी ने अगर मेरे सोने के बाद मुझे मारने की कोशिश की ना, तो जस्ट अवॉइड द फेस। ओके तू लिख ना छोड़, तू दिल ना तोड़, तू
न छोड़ दिल न तोड़ लिख न छोड़ बे छोड़ देना यार ये लो कम मुझे नींद की गोलियां खिलवाते थे ना तुम खुद भी खाओ अब क्या सोचा है फिर कुछ नहीं सोचा भाई सोने दो बाय द वे मैं इमरान को देख के करवट बदल कर सो जाती थी तो वो भी तो पूरा दिन फोन में घुसा रहता था क्या बस इतनी इज्जत है हमारी कि रात में नजर आए दिन में याद नहीं आती तुम लोगों को ना तो मैंने भी नहीं सोचा भाई कहां कहां से लेके आते हो अब सोने दो तो फिर सोच लेना था गाना सुनाओ नहीं हाँ अख जदों दी लड़ी तेरे नाल कोई पुछदा भी नहीं ओ मेरा हाल के हुक्का पानी बंद हो गया डुक चुक के हुक्का पानी बंद हो गया जी नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए एक अहम खबर मुल्क के मशहूर मारूफ नॉवलिस्ट कबीर खान ने एक ऐलान किया है जी उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने लिखना छोड़ दिया है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना उन्होंने लिखना छोड़ दिया है और अगर लिखेंगे तो सिर्फ बच्चों की बेड टाइम स्टोरीज और इस बात का ऐलान उन्होंने आज सुबह अपने ट्विटर पे किया है हमने उनसे रابطہ करने की कोशिश की और हमें पता चला कि वो घर से मेडिटेशन कैंप जा चुके हैं जी हाँ वो मेडिटेशन कैंप जा चुके हैं और इस बारे में हमारे नाज़रीन की क्या राय है आइए देखते हैं औरतों के बारे में लिखना बंद कर रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है अली आलिया और कानी चुड़ैल कानी चुड़ैल कानी चुड़ैल अरे हटाए माइक यहाँ से लिखते बहुत अच्छा है बहुत प्यारे भी मुझे बहुत पसंद है मैं तो उन्हें 5 साल से फॉलो कर रही हूँ इंस्टाग्राम पर कबीर आखिरी 2 सवाल अगर आप राइटर ना होते तो क्या होते मैं राइटर ही होता हाँ मगर कोई और करियर चूज करना होता तो मैं राइटर ही होता इट्स इन माय ब्लड चले आप पूछ रही हैं तो बताता हूँ मैं लोगों को अच्छा पढ़ लेता हूँ सो मे बी अ साइकियाट्रिस्ट मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका मोहब्बत सही वक्त पे सही इंसान से हो जाए तो जन्नत वरना 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 मेरी आने वाली किताब डायम जी हाँ मैं हूँ कबीर खान बेस्ट सेलिंग राइटर औरत को मुझसे अच्छा और कोई नहीं लिख सकता आई बी बैक आ रहा हूं मैं छोड़ अबे छोड़ देना यार तू लिख ना छोड़